शेयर मार्केट में हमें अपने पैसे को 5 गुना 10 गुना या 100 गुना करने के लिए सिर्फ 2 ही स्टॉक्स बहुत है, और कभी कभी तो कोई एक स्टॉक भी ये काम हमारा कर देता है। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है ये हम आज समझने वाले हैं 80-20 रूल का यूज करके। वीडियो में लगातार आप बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज 80/20 रूल जिसका विल्फ्रेडो पेरेटो ने इसको बनाया था उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का सही तरीका हम जानने वाले हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो रिलेटेबल हो, जो हमारी सबकी लाइफ से कनेक्टेड हो। तो स्कूल का हम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि स्कूल हमने लगभग सभी ने ऑलमोस्ट सभी ने ही पढ़ाई करी है। तो स्कूल में कोई क्लास हम मान लेते हैं जिसमें 200 बच्चे हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको पता है कि क्लास में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो डेली पढ़ाई करते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट रखते हैं, डेली स्कूल भी जाते हैं, और बीमार होने पर भी कोई उनकी तबीयत खराब भी हो जाती है तो भी वो स्कूल को मिस नहीं करते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी स्कूल में किसी तरीके का बच्चा था। इसके अलावा दूसरी टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी स्कूल नहीं जाने का हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं। मतलब उन्हें कोई बहाना चाहिए स्कूल नहीं जाने का। वो कभी रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम से सिर्फ 7 दिन पहले ही पढ़ाई करते हैं, और ये बच्चे अपना होमवर्क तो कभी भी कंप्लीट नहीं करते। तो अब जो पहले टाइप के मैंने बच्चे बताए उनको मान लेते हैं फर्स्ट क्लास बच्चे, क्योंकि वो फ्रंट बेंचर्स हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, होमवर्क वगैरह कंप्लीट रखते हैं, तो वो होंगे फर्स्ट क्लास। और ये जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ एग्जाम से 7 दिन पहले ही पढ़ते हैं, मैंने मान लेते हैं थर्ड क्लास बच्चे। तो अब यहाँ पर एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो हमें शौक लगता है। एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, अगर मान लीजिए 200 की क्लास में से 100 है फर्स्ट क्लास बच्चे, तो 100 के 100 बच्चे ही 90%+ का स्कोर करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसका अब यहाँ पर पेरेटो प्रिंसिपल का यहाँ पर काम आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर उस क्लास में 100 फर्स्ट क्लास बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चे ही ऐसे होंगे जो 90% से ज़्यादा का स्कोर एग्जाम में क्रैक करते हैं। इसके अलावा 80 बच्चे उन 100 में से जो 100 फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, 20 बच्चे ही 90%+ करेंगे, और बचे हुए 80 बच्चे उनमें से जो है एक एवरेज स्कोर करते हैं 60%, 70-75, 80-85 के आसपास का उनका परसेंटेज स्कोर रहता है एग्जाम में। अब इसके अलावा जो थर्ड क्लास बच्चे हैं उनका रिजल्ट देखें तो और भी यहाँ पर शॉकिंग लगता है। तो थर्ड क्लास बच्चों का रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जो 100 बच्चे थर्ड क्लास है उसमें से 80 बच्चे तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो बिलो एवरेज का स्कोर करते हैं, नहीं मान लीजिए 50% से कम का उनका स्कोर रहता है, लेकिन 20 बच्चे वहाँ पर भी ऐसे होते हैं जो एक एवरेज स्कोर करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास में जो 20 बच्चे थे उनके बराबर का ये लोग भी स्कोर कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में जो 80 बच्चे थे उनके बराबर का स्कोर ये भी कर जाते हैं, यानी कि 60-70-80% की रेंज में। और इनमें से यानी कि थर्ड क्लास बच्चों में से भी कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर निकल जाते हैं जो 75%+ करते हैं, और 1 या 2 बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जो मेरिट में चले जाते हैं इन थर्ड क्लास बच्चों में से भी। अब इस स्टोरी से पेरेटो प्रिंसिपल 2 अलग-अलग तरीके से प्रूफ हो रहा है। पहला जो मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास बच्चे उनमें 80% बच्चे जो है वो एक एवरेज स्कोर करते हैं, और सिर्फ 20 बच्चे यानी कि 20% ही ऐसे हैं जो मेरिट में जाते हैं। वही बात करें हम अगर थर्ड क्लास बच्चों की तो यहाँ पर भी पेरेटो प्रिंसिपल लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ 80 बच्चे ही ऐसे हैं जो बिलो एवरेज गए, यानी कि उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनका जो स्कोर था वो बिलो एवरेज था। तो अब पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके 20% एफर्ट से ही आपको 80% का रिजल्ट मिलता है। अब इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप इसे जोड़ लीजिए। मान लेते हैं एग्जाम की बात चल रही है, तो एग्जाम के बाद कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद हम जाते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने। तो अगर कोई बंदा 10 एग्जाम देता है तो 10 में से 10 में वो पास नहीं होता, सिर्फ 2 एग्जाम में ही वो पास होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर चुका हूँ, और करीब करीब 10-12 से ज़्यादा ही एग्जाम मैंने दिए होंगे, तो 2-3 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं, और मैं नहीं, एक्चुअली विल्फ्रेडो पेरेटो ने ये प्रिंसिपल दिया है जिसे हम 80/20 प्रिंसिपल कहते हैं। अब पैसे के मामले में आप बात कर लीजिए, दुनिया में जितना भी पैसा है वो अगर 100 रुपये मान ले उसको, तो 100 में से 80 रुपया दुनिया के सिर्फ 20% लोगों के पास है, यानी कि दुनिया की जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, उसका 80% दुनिया के सिर्फ 20% लोगों के पास है। अब चाहे तो आप इसे जॉब से रिलेट करके देख सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता होगा अगर ऑफिस में 10 लोग हैं तो 10 में से 2 लोग ही ऐसे प्रोडक्टिव होते हैं जो आपको 10 के 10 लोगों के बराबर का काम बना करके दे देते हैं, और बाकी के जो 80% लोग होते हैं वो 20% लोगों के बराबर का भी काम नहीं कर पाते। तो पेरेटो प्रिंसिपल यही कहता है, शेयर मार्केट में भी पेरेटो प्रिंसिपल लागू होता है,
कि यहाँ पर जब मान लेते हैं कुछ स्टॉक मार्केट में हमने कुछ स्टॉक्स खरीदे, मान लीजिए हमने 10 स्टॉक्स खरीदे, तो 10 में जब हम स्टॉक्स में खरीदते हैं और हम 3 साल बाद उन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 स्टॉक यहाँ पर जो है आपको लॉस देते हैं, मान लीजिए 50-70% या 100% का वहाँ पर 80-90% का वहाँ पर लॉस हो जाता है 10 में से 2 स्टॉक्स में। और यहाँ पर 2 स्टॉक्स आपको ऐसे होंगे जो आपको एक कांस्टेंट वहाँ पर आपका रिटर्न रहता है, यानी कि जो शेयर में आप जिस प्राइस में खरीदा था उसी प्राइस रेंज के आसपास वो शेयर आज की डेट में भी बना हुआ है। इसके अलावा 3 शेयर यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाते हैं जो, या 3 या 4 शेयर आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं, 4 शेयर जो आपको 50-60% का रिटर्न देते हैं, लेकिन टॉप 2 स्टॉक्स यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 500% या 1000% का भी रिटर्न दे देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पैरेटो प्रिंसिपल भी शेयर मार्केट में लागू होता है कि जब आप 10 अलग अलग शेयर्स खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऐसे शेयर्स मिलेंगे जो आपको 100% नहीं, 500% नहीं, 1000% या उससे ज़्यादा का रिटर्न भी दे देते हैं। तो पैरेटो प्रिंसिपल एक्चुअली हमें शेयर मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कहता है। लेकिन अब यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन में भी कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जब आप करते हैं तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि अलग अलग शेयर्स में कितना पैसा हम लगाएं, या क्या हम सारे शेयर्स में बराबर पैसा लगा दें, या किसी शेयर में ज़्यादा किसी में कम, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें। तो इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टॉक्स। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और अगर आप 10 शेयर में डाल रहे हैं तो 1 लाख को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 रुपया आपका आ गया। कहने का मतलब आप कुल मिलाकर के हर शेयर में बराबर बराबर का अमाउंट डालेंगे। अगर आप उन शेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी नहीं कर रहे हैं, बहुत हाई कन्विक्शन आपको उनमें नहीं है, तो आप यही करेंगे। बहुत हाई कन्विक्शन होने पर, बहुत ज़्यादा अगर आपको नॉलेज एक्सपीरियंस है, उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो का जो आपका स्टॉक्स का जो प्रपोर्शन है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कन्विक्शन के हिसाब से। जहाँ पर आपको ज़्यादा कन्विक्शन है वहाँ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर जिसमें शेयर में आपको कॉन्फिडेंस था अगर वो शेयर लॉस देने लग गया तो आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट भी हैं, तो क्या आप बराबर हर शेयर में बराबर पैसा डाल करके चलते चलें। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जैसे जैसे आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो आपके कुछ शेयर्स का अमाउंट जो है वो बड़ा होता चला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी शेयर में 1 लाख रुपए डाले थे, मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर मैंने 3 साल पहले दीपक नाइट्राइट नाम के एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करी थी। कोई यहाँ पर एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने करीब 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे और आज वो मेरा पैसा जो है वो करीब करीब 6-6.5 लाख रुपए हो चुका है। और यहाँ पर दीपक नाइट्राइट के अंदर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अब एक तरीके से दीपक नाइट्राइट की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तो क्या ऐसे केस में मुझे दीपक नाइट्राइट को सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पीटर लिंच की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत आपको समझनी चाहिए, वाटर द रोजेज एंड कट द वीड्स। यानी कि जो शेयर 10 शेयर जो मैंने बताए, 2 शेयर आपको लॉस दे रहे थे, 3 शेयर आपके प्रॉफिट को जो है आपके कॉन्स्टेंट रह रहे थे, कुछ 4 शेयर इसके बाद कुछ 3-4 शेयर ऐसे थे जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहे थे, और कुछ 2 टॉप शेयर ऐसे थे जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे, वो आपके रोजेज हैं, जो टॉप पर है वो आपके रोजेज हैं। आप उनमें पानी डालिए, उनमें और इन्वेस्टमेंट करते चलिए, उनमें आप और अपने अमाउंट को बढ़ाते चले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काम करता है। अब एक आखिरी चीज़ डाइवर्सिफिकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट आती है कि आपको अलग अलग सेक्टर्स में जो है अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना होता है। यानी कि अगर हम 10 शेयर्स ले रहे हैं तो 10 में से कम ऐसे आप शेयर्स ढूंढें जो अलग अलग सेक्टर्स में 6 से 8 आपके अलग अलग इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स कवर हो जाएं। इनमें से कौन से सेक्टर्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जो इंडियन इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ जहाँ पर बनती है जिन सेक्टर्स में, वो 3 सेक्टर्स है। फाइनेंस सेक्टर, यानी कि फाइनेंस में मतलब बैंकिंग आता है, साथ साथ NBFCs आती है। दूसरा यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आता है, टेक्नोलॉजी में IT कंपनीज आती हैं। इसके अलावा दूसरी इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं। और इसके अलावा जो तीसरी टाइप की लॉन्ग टर्म जहाँ पर पैसा बनता है वो आता है यहाँ पर कंज्यूमर, यानी कि HUL है, ITC है। मैं ये नहीं कह रहा, कोई शेयर का नाम नहीं बता रहा हूँ, इस तरीके के FMCG शेयर्स। तो ये 3 सेक्टर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए रडार पर रख सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है। और इन 3 के अलावा आपको और ऐसे 3 से 5 अलग अलग सेक्टर्स को इन 10 शेयर के अंदर कवर कर लेना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको लिखने में आलस आ रहा तो DI लिख दीजिएगा, या सिर्फ DB लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हमें और डिस्कशन करना चाहिए।
अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ज़ीरोधा और एंजल वन का, जाकर के डीमैट अकाउंट बनाइए। डिलीवरी वहाँ पर फ्री मिलती है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो डीमैट अकाउंट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल से, तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।